इस कुरान मजीद की कसम, मैं जीत चुकी थी। ख्वाजा सो को बुलाए, वो भी कुरान पर हाथ रखे जिस कुरान पर मैंने हाथ रख कर कहा था कि मैं जीत चुकी हूँ। इंटरनेशनल मीडिया मेरी जीत की ऐलान कर रहे हैं। आज कोर्ट 2 में NA-71 के हवाले से हमारी पिटीशन थी, जहाँ पे शहजाद शौकत साहब ने आर्गू किया, लेकिन बदकिस्मती से जो हमारे साथ ये धांधली का खेल खेला जा रहा है, क्योंकि लीड हमारी बहुत ज़्यादा है, वो अभी तक कवर नहीं हो रही। और RO साहब को जो पिछली तारीख पे कोर्ट ने कहा था कि रिपोर्ट पेश करें, RO आज भी कोर्ट में रिपोर्ट पेश नहीं कर सका, क्योंकि डिफरेंस इतना ज़्यादा है, वो कवर नहीं कर सका। हमने तमाम के तमाम हमारे 358 जो फॉर्म 45 थे, ओरिजिनली हमने कोर्ट में पेश कर दिए हैं। ये मैं आपको भी मीडिया में दिखा रहा हूँ, इस तरह के हमारे NA-71 के 358 हमारे फॉर्म 45 हमने पेश किए हैं। इसके मुताबिक हम मोर देन 50,000 से जीत रहे हैं। अब वो मार्जिन कवर करने के लिए जो RO ने फॉर्म 47 और 49 जारी किया है, वो अभी तक चूंकि कवर नहीं हो सका, इलेक्शन को आज पांचवा दिन है, तो इसलिए RO ने रिपोर्ट पेश नहीं की। कोर्ट ने ऑर्डर किया है, नेक्स्ट 22nd डेट है, इसमें RO को हमने रिक्वेस्ट की है कि RO इस तरह नहीं आएंगे। जज साहब से शोकाज की रिक्वेस्ट की है, वो इंशाल्लाह ऑर्डर आ जाता है। उम्मीद है कि जज साहब इसमें शोकाज भी करेंगे और RO 22 को रिपोर्ट देंगे कि वो कैसे इनके अलावा कैसे अपने फॉर्म 45 जाली बना के यहाँ पे रिपोर्ट पेश करता है। हमें उम्मीद है कि यहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। बेटा, मैंने सियालकोट के तमाम मीडिया को दावत दी और अपने फॉर्म पर अपनी 50,000 की लीड पर मैंने कुरान रख दिया कि मुझे इस कुरान मजीद की कसम, मैं जीत चुकी थी। और आज भी मैं उसी कुरान पर फैसला लेना चाहती। ख्वाजा सो को बुलाए, वो भी कुरान पर हाथ रखे जिस कुरान पर मैंने हाथ रख कर कहा था कि मैं जीत चुकी हूँ। सारा इंटरनेशनल मीडिया मेरी जीत की ऐलान कर रहे हैं, चारों तरफ मेरी जीत की गूंज उठी हुई है। मुझे उस कुरान की कसम, आज यहाँ मैं आई हूँ तो मुझे उम्मीद है कि मेरे नबी की उम्मत फैसला करने वाली मेरे उस कुरान को मद्देनजर रखकर माँ को फैसला दे, मुझे मंजूर होगा इंशाअल्लाह ताला। जीत हक और सच की होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरा हाँ पाइंदाबाद। अब खबर आपकी दस्तरस में हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक्वामी हालात से यकीन के साथ।